नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और इसको लेकर बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। दरअसल कई जिलों में एसपी समेत भारी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकार ने सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सहरसा, रोहतास के एसपी को भी बदल दिया है और बहुचर्चित आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह को सहरसा के एसपी पद से हटाकर बीएमपी का कमांडेंट बनाया गया है। राज्य सरकार ने कुल 26 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। राज्य सरकार ने सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय का ट्रांसफर बीएमपी 16 के कमांडेंट पद पर किया है। वे बीएमपी 14 के अतिरिक्त प्रभार पर भी रहेंगे। मनोज कुमार तिवारी को सीतामढ़ी का नया एसपी बनाया गया है। वे बीएमपी 8 के कमांडेंट पद पर तैनात थे। वैशाली के एसपी मनीष को सीआईडी में एसपी बनाया गया है। रवि रंजन कुमार को वैशाली का नया एसपी बनाया गया है। वो बीएमपी 12 में तैनात थे। सुपौल के एसपी डी अमरकेश का ट्रांसफर पश्चिम चंपारण के एसपी पद पर किया गया है। डीआईजी 13 के कमांडेंट सैसो यादव को सुपौल का नया एसपी बनाया गया है। सहरसा में एसपी पद पर तैनात बहुचर्चित अधिकारी लिपि सिंह को बीएमपी 2 डिहरी का कमांडेंट बनाया गया है। सहरसा के एसपी पद पर उपेंद्र नाथ वर्मा की तैनाती की गई है। वे पश्चिम चंपारण के एसपी पद पर तैनात थे। पटना के आतायात एसपी अनिल कुमार का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में ईआरएसएस का एसपी बनाया गया है। पूरन कुमार झा को पटना का नया ट्रैफिक एसपी बनाया है। सरकार ने इसके साथ कई अन्य अधिकारियों का भी तबादला किया है। गया के सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद को बीएमपी 12 का कमांडेंट बनाया है। आरा सदर के एसडीओ हिमांशु को गया का सिटी एसपी बनाया है। बाढ़ के एसडीपीओ अरविंद प्रताप सिंह को मुजफ्फरपुर का सिटी एसपी बनाया गया है। बीएमपी 16 के कमांडेंट पुष्कर आलम को बीएमपी 3 बोध गया का कमांडेंट बनाया गया है। वेटिंग फॉर पोस्टिंग हिमांशु शंकर द्विवेदी को बीएमपी 11 जमुई का समादेष्टा बनाया गया है। सीआईडी में तैनात तौहीद परवेज को बीएमपी 6 मुजफ्फरपुर का कमांडेंट बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय में एआईजी रमन कुमार चौधरी को जमालपुर रेल पुलिस का एसपी बनाया गया है और इसी तरह पटना के 3 एसडीपीओ भी बदल दिया गया है। गया के एएसपी भारत सोनी को बाढ़ का एसडीपीओ बनाया गया है। चकिया मोतिहारी के एसडीपीओ शरद आरएस को पटना सिटी का एसडीपीओ बनाया गया है। रजौली नवादा के एसडीपीओ विक्रम सिहाग अब फुलवाड़ी शरीफ के एसडीपीओ होंगे। तो ये पूरी जानकारी इस तबादले की जो जानकारी सामने आई है, पूरी डिटेल जानकारी हमने आपको बताई है कहाँ कहाँ किनका किनका तबादला किया गया है। तो बड़ी खबर है, 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारी बदल दिए गए हैं, 3 एसडीपीओ बदले गए हैं।